अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टार टेक्नोलॉजी 5G। आज की वीडियो में 7 सेगमेंट डिस्प्ले को स्टडी करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले आर यूज फ्रिक्वेंटली इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू शो न्यूमेरिक और alphanumeric value as shown in figure। A 7-segment display consists basically of 8 LEDs connected such that the numbers from 0 to 9 and some letters can be displayed. Segments are identified by the letter from A to G, and the figure shows the segment names of a typical 7-segment display। ये देखिए 7-segment display इस तरह का होता है, इसके अंदर LEDs लगी होती हैं। ये देखिए एक सेगमेंट है B C D E F G, इनके अंदर सबके अंदर LEDs लगी हैं, इसे इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहा जाता है। और ये एक इसके अंदर एक एक्स्ट्रा डॉट होता है जिसको DP के नाम से कहा जाता है। उसके अलावा ये 7 इसके कनेक्शन होते हैं और एक या 2 इसके कॉमन सप्लाई होती है या ग्राउंड होती है या पॉजिटिव सप्लाई होती है। सेवन सेगमेंट डिस्प्ले टाइप्स। वैसे तो ये कलर के हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइप्स के मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने इस पिक्चर में लगाया हुआ है, वाइट में भी, येलो में भी, ऑरेंज में भी। लेकिन बेसिकली 7 सेगमेंट डिस्प्ले की 2 ही टाइप्स हैं, कॉमन एनोड टाइप है या कॉमन कैथोड टाइप है। लेकिन आपको साइज़ के हिसाब से, उसके डिजिट के हिसाब से, इसके अलावा भी बहुत सी किस्म की 7 सेगमेंट डिस्प्ले मार्केट से मिल जाएंगी। लेकिन सबकी जो टाइप्स हैं वो कॉमन 2 ही हैं, कॉमन एनोड है या कॉमन कैथोड है। कॉमन कैथोड। इन कॉमन कैथोड आर कैथोड्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू द ग्राउंड। द सेगमेंट आर टर्न ऑन बाय अप्लाइंग लॉजिक 1 टू द रिक्वायर्ड सेगमेंट वाया करंट लिमिटिंग रजिस्टर। इन कॉमन कैथोड्स configuration, the 7 segment LEDs connected to the microcontroller and current sourcing mode। ये देखिए जैसा कि ये कॉमन कैथोड है, इसमें देख सकते हैं तमाम LED के जो कैथोड हैं वो कॉमन करके ग्राउंड किए हुए हैं। ये देखिए तमाम LED को ग्राउंड किया हुआ है। अब इसको हम जीरो ग्राउंड इसको प्रोवाइड कर दिया गया, अब इसको 1 प्रोवाइड करेंगे, जैसे लॉजिक 1 या हाई पल्स देंगे तो ये LED ग्लो करेगी, अदरवाइज ये LED ग्लो नहीं करेगी। कॉमन एनोड। इन कॉमन एनोड मोड द एनोड टर्मिनल ऑफ आर LEDs आर कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन फिगर। देखिए कॉमन एनोड में जो सबके जो एनोड होते हैं वो कॉमन करके ग्राउंड कर दिया जाता है, उसको ऐसे करके। दिस कॉमन पॉइंट इज देन नॉर्मली कनेक्टेड टू द सप्लाई वोल्टेज। अ सेगमेंट इज टर्न ऑन बाय कनेक्टेड इट्स कैथोड टू टर्मिनल टू लॉजिक वाया करंट लिमिटिंग रजिस्टर। इन कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन द 7 सेगमेंट LED इज कनेक्टेड टू द माइक्रोकंट्रोलर इन करंट सिंकिंग मोड। ये देखिए अब इसमें हमने इसको पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया गया। अब इस LED को ऑन करने के लिए हमें इसको लॉजिक 0 देना पड़ेगा, यानी ग्राउंड सप्लाई इसको या लॉजिक 0 प्रोवाइड करेंगे, उससे ये LED ग्लो होना शुरू हो जाएगी। जैसे हमने अपने LEDs के प्रोजेक्ट में किया था, हमने कॉमन एनोड ही यूज़ किया था और इसमें करंट सिंकिंग मोड यूज़ किया जाता है LED का। इसमें से हम सप्लाई जो सी है वो एक्सटर्नल लेते हैं और माइक्रोकंट्रोलर से हम 0 प्रोवाइड करते हैं। इसको करंट सिंकिंग मोड कहते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड में 7 सेगमेंट डिस्प्ले का ये कोड दिखाए गए हैं। ये देखिए अगर हमने ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, अगर इसको हमने ऑन करना है, ये देखिए A B C D E F और G। जैसा कि हमने 1 डिस्प्ले करना है तो इसमें हमें B और C LED हमें ऑन करनी पड़ेगी। B और C LED के लिए हम अगर कॉमन एनोड यूज़ करें, ये कॉमन एनोड टाइप का कोड लिखा हुआ है और कॉमन कैथोड इसके बिल्कुल उल्ट हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे वन आ जाएगा, तो बकाया साहब वन की जगह पे ज़ीरो हो जाएगा। अब देखिए हमने बी और सी को ऑन करना है, ये ए, ये बी, ये सी, डी, ये ई और ये एफ तक, ये सॉरी जी तक है। ये देखिए हमने ए को ऑफ किया हुआ है, नंबर वन से कॉमन नोड पे वन प्रोवाइड करने से ये एलईडी ऑफ हो जाएगी। इसको वन प्रोवाइड करेंगे, ये एलईडी ऑफ हो जाएगी। इसको ज़ीरो प्रोवाइड करेंगे, ये एलईडी ऑन हो जाएगी। बी और सी को हमने ज़ीरो प्रोवाइड किया जिससे ये एलईडी दोनों ये ऑन हो गई हैं। ये हमारा जो डिस्प्ले आएगा ये वन आएगा। इसी तरह अगर हमने टू डिस्प्ले करना है तो नंबर ए, बी, जी, ई और डी को हमें ऑन करना पड़ेगा, एफ और सी को ऑफ करना पड़ेगा। ये जैसा कि ये दिखाया गया, टू के लिए हमने ए, बी को ऑन किया, सी को ऑफ किया, डी और ई को ऑन किया, एफ को ऑफ किया और जी को ऑन किया। ये एक एक्स्ट्रा हमारे पास 8 नंबर बिट है जो हम यूज़ नहीं कर रहे। इसी तरह सी के लिए ये कोड आएगा, सी के लिए ये देखिए ऐसे करके होगा, तो ये ए, एफ, ई और डी सब ऑन हो जाएंगे और दो एलईडीज़ ऑफ होंगी। इस तरह ये ज़ीरो से लेकर 9 तक ये कोड है जो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। ये नेक्स्ट ये एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले है जिसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई है, कॉमन नोड टाइप। अपने प्रोजेक्ट में यही यूज़ करेंगे, ए, बी, सी, डी, एफ, जी। ये देखिए एक इसका 7 एलईडीज़ के कनेक्शन है और ये एक डीपी इसके लिए, तो एक्स्ट्रा एक 8 हम इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपने डॉट इंडिकेट करना है दो डिजिट के दरमियान में। जैसे अक्सर क्लॉक के अंदर आपने देखा होगा एक डिजिट यहाँ पे ऑन हो रहा होता है, उसको यूज़ करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक या दो कॉमन होती हैं, जैसा कि इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन में दिखाया गया। नंबर 1 पे ई है, ई ये रहा, ये वाला टर्मिनल इसका नंबर 1 पे है। 2 पे इसका बी है, 2 पे इसका डी है, ये नंबर 2 पे है। 3 नंबर कॉमन है, 4 नंबर पे सी है। ये सारे टर्मिनल ऐसे पिन कॉन्फ़िगरेशन इसकी दिखाई गई है। ओके फ्रेंड, अगली वीडियो में हम इसका कोड बना के इसको माइक्रोकंट्रोलर के साथ टेस्ट करेंगे।